हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपको बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से ज्यादा से चल रही किसान आंदोलन को लेकर बड़ी और अहम और सकारात्मक खबर है कि यह आंदोलन खत्म होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग आंदोलन वापस लेने के पक्ष में है। तो कभी भी किसान संगठन इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं। वो घोषणा आज शाम को भी हो सकती है, ये घोषणा कल को भी हो सकती है। फिलहाल केंद्र की तरफ से भेजे गए मसौदे प्रस्ताव पर सिंगू बॉर्डर पर विचार विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार के मसौदे के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य MSP पर बनने वाली कमेटी में शामिल किए जाएंगे। वहीं सरकार ने एक साल के भीतर किसानों पर दर्ज किए गए मामलों को भी वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा इस मसौदे में पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की भी बात की गई है। हालांकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने के अलावा बिजली बिल को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। वहीं आंदोलन की वापसी पर किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का कहना है कि इस बारे में बुधवार को निर्णय लिया जाएगा। केंद्र की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के मसौदे पर अभी पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। समिति सिंगू बॉर्डर पर चल रही बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्ण निकाय के साथ मसौदा साझा कर रही है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का मानना था कि सरकार कुछ लोगों को बुलाकर किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उनकी ओर से 5 लोग बातचीत के लिए तय किए गए हैं। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो किसान संगठनों की ओर से यही 5 सदस्य जाएंगे, जिसके चलते यही 5 चयनित सदस्य मोर्चे की बैठक में बात रख रहे हैं और इसको लेकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों का पैनल बनाया है। इसमें उत्तर प्रदेश के युद्धवीर सिंह के अलावा मध्य प्रदेश के से शिव कुमार कक्का, पंजाब से बलवीर राजीवाल, महाराष्ट्र से अशोक धावले और हरियाणा से गुरनाम सिंह चडूनी का नाम शामिल है। फिलहाल अब कभी भी इस आंदोलन के खत्म होने की घोषणा हो सकती है, ये घोषणा आज भी हो सकती है, ये घोषणा कल तक भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हिंद भारत के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।